तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसी तरीके से, चलो उसके पहले थोड़ा सा कुछ जनरल चीजें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ताकि ग्राफ में कुछ इक्वेशंस आते हैं और किस तरीके से ग्राफ बनता है उसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ रीडिंग जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जिसको? ग्राफ ग्राफ रीडिंग। रीडिंग, ठीक है। अच्छा समझो, अगर हम XT ग्राफ देखे, आपको सबसे पहले ये तो चीजें पता है, एक बार फिर भी मेरे को बता दो, XT ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जिच्की जाने का नहीं, कॉन्फिडेंट। ये जो आवाज अटकती है तो वेलोसिटी इतने दूर से निकलता है ना, वेलोसिटी। हाँ जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका। हाँ चलो, XT ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। वैसे VT ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, जो भी है। AT ग्राफ? जर्क, जर्क, डार्क। XT ग्राफ का एरिया क्या देता है? इंफॉर्मेशन ले से वो सर, इन्फॉर्मेशन लेस है। VT का एरिया? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देता। और चेंज इन वेलोसिटी देता है, क्या देता है चेंज इन? इंस्टेंट चेंज, हाँ इंस्टेंट चेंज, चेंज इन वेलोसिटी देता है। इंस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो ये देता है, जट जिसको हम लोग कहते हैं, इंस्टेंट झटका। इंस्टेंट क्या बोलेंगे? इंस्टेंट झटका। चलो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसी ग्राफ के ऊपर से हम लोग एक एक ग्राफ बनाते जाएंगे और उसके ऊपर से तुम आइडेंटिफाई करो कि क्या तुमको सिचुएशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ग्राफ होगा तो कैसा होगा। अगर समझो XT ग्राफ ऐसा निकाला जाए, कैसा निकाला जाए? XT ग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं और उसके ऊपर से हम लोग एक एक एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ जिसमें समझो ये एक्स और ये टी, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ऐसा होता है, इसका मतलब पार्टिकल कैसा है? 1 सेकंड पे इस पोजीशन पे, 2 सेकंड पे इस पोजीशन पे, 30 सेकंड पे इस पोजीशन पे, 4 सेकंड पे इस पोजीशन, क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई? पार्टिकल नहीं, की पोजीशन चेंज नहीं हुई। एक एक ही जन बोल रहा है, बाकी लोग? नहीं सर, क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ टाइम 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 चेंज हो रहा है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही, हो रही। हो रही है। तो पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल इज एट सेंटर रेस्ट। पार्टिकल किस पे रहेगा? रेस्ट 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 पे रहेगा। समझ में आ गया? ये हाँ, ये तुम्हारा पहला ग्राफ बना लो, जल्दी हो बनाते गया चलो। सर, हो गया सर, हो गया। रुको सर, चलो नेक्स्ट। रुकना रुकना चाहो, घरी नाही कोणीस, बाहेर जाऊन आहे, मामाची कुठतरी गेले, आत्या बी कुठतरी गेली, काऊन अ बंद करून सांग। हाँ अब देखो नेक्स्ट, आपका ऐसा ग्राफ अगर निकलता है, ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? समझो 2 सेकंड पर 2 मीटर का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
चार सेकंड पर, चार मीटर, छह सेकंड पर छह मीटर, आठ सेकंड पर आठ मीटर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म. सही है सही है. यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो है, डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड में, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा बढ़ रहा है? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है. कैसा बढ़ रहा है? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है. अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली बोल रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसी है? कॉन्स्टेंट. हाँ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है. और यहाँ वेलोसिटी कैसी है? टू बाय टू कितना होगा? वन. फोर बाय फोर कितना होगा? सिक्स बाय सिक्स कितना होगा? एट बाय एट कितना होगा? वन. इसका मतलब वन. हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी है? कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट है. तब आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस तरीके का ग्राफ दिखाई दे रहा है. बना लो सर. सर फर्स्ट ग्राफ किसकी इंफॉर्मेशन? पार्टिकल इज एट रेस्ट. सर सुनाइए. पार्टिकल इज एट रेस्ट. पार्टिकल इज एट रेस्ट. सुनाई दिया? अरे सुनाई दिया कि नहीं दिया? जिसको सुनाई दिया वो उसको बताएगा. अरे दिया सर. पार्टिकल किस पे है? दिया सुनाई दिया सर. ओके ओके चलो अभी नेक्स्ट. ये हो गया ग्राफ. अगर समझो ये डिस्प्लेसमेंट है ग्राफ. अब एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है. क्या दी है? इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी है. उसी की डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन हो. उसी की डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन है. वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है. एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में है. हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है. यहाँ जो अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, समझो पहले सेकंड के लिए, अब ये दो सेकंड, चार सेकंड और छह सेकंड, आठ सेकंड है, तो चलो इसी पे बना लेते. समझो कि ये पहले चला, जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ ले लेंगे तो इसके ऊपर से मेरे ख्याल से कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली सिचुएशन है, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला भी बना लेते ताकि फील आ जाए. तो फॉर्मूला जैसे हम लोगों को क्या है, एक्सटी का ग्राफ बनाना है, यानी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में. तो समझो अब इनिशियली जो पार्टिकल है, इस इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपकी जीरो होती है, कितनी होती है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो होती है, और कुछ समय के बाद में वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के साथ में इंक्रीज होती जाती है. कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन समझ लो कुछ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो बोलो
वन सेकंड के लिए एस कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो 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 इनटू एनीथिंग जीरो। फॉर्मूला क्या बन जाएंगे? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? बोलो फाइव फाइव मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा हाफ इंटू फाइव मीटर पर सेकंड, और टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा वन वन। कितना होगा आंसर? वन फाइव। कितना होगा आंसर? 2.5। कितना होगा आंसर? 2.5। हाँ, जब 2 रखेंगे तब बोलो ना 2 सेकंड के लिए कितना होगा? टू सेकंड के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही कंसीडर करना है। ये कैलकुलेशन करो, गड़बड़ो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, जुबान मत चलाओ, पेन परफेक्टली चल रही है तो जुबान चलाओ। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2.5 सर 10 10 गुड। 2.5 इसको 5 बोलेंगे, इसको 7.5 बोलेंगे, इसको 10। 3 अरे बोलो रे सर 20 9 इंटू 2.5 कैसे क्यों लग रहा है तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर हो गया करके? 9 होता ना 22.5 समझ में आया। अगर मैं यहाँ से ग्राफ में लू तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा 3 सेकंड के लिए कुछ ऐसा जाएगा, फिर कुछ ऐसा जाएगा, दिखाई दे रहा है? तुमने कभी ऐसा ग्राफ देखा है? तुमने कभी ज्योमेट्री में ऐसा ग्राफ देखा है? हाँ सर। हाँ सर। कभी अपने जीवन में ऐसा ग्राफ देखा है? प्यारा बोला। अब इस पैराबोला में तुम अगर वाटर डालोगे तो क्या इसमें वाटर भर जाएगा? हाँ, ये भरता हुआ पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? भरता हुआ। ये कौन सा पैराबोला है? ये तिरछा पैराबोला है। और ये कौन सा है? ये मिर्चा वाला पैराबोला है। ये सारे जो इक्वेशंस है, अब देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का? जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिया था x इक्वल टू तो x एक्सिस पे ये था, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे y इज नॉट पैराबोला, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर पैराबोला। इस पैराबोला के इक्वेशन में अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है
कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अच्छा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? ये हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? किससे आइडेंटिफाई करेंगे? राम लालू देखो ये हो गई थी मेरी इनिशियल पोजीशन, ये हो गई तुम्हारी फाइनल पोजीशन। आप क्या निकालोगे? स्लोप। क्या निकालोगे आप? स्लोप। स्लोप x2 टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। 2.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 आंसर कितना निकला? 2.5 मीटर पर। उतनी एनर्जी तुम्हारे बोलने में नहीं दिख रही। क्या तुमको x2 माइनस x1 नहीं समझ में आया? क्या तुमको t2 माइनस t1 समझ में नहीं आया? आया सर। आया। उसके बाद में सेकंड स्लोप अगर आइडेंटिफाई कर तो क्या फाइनल पोजीशन तुम्हारी 10 है? क्या इनिशियल पोजीशन तुम्हारी 2.5 है? क्या तुम्हारा फाइनल टाइम 2 सेकंड है? उसके बाद में क्या 1 सेकंड है? अगर आंसर कैलकुलेट करते हो तो 7.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना है? 7.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी आप लोगों का आंसर हो गया 3 और ये 15 यानी कितना हो गया? 3.75 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया? सर नहीं, ये 2 माइनस 1 यानी 1 सेकंड और आंसर आया तुम्हारा 7.5। कितना आया आंसर? 7.5। अब मेरे को बताओ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? वेलोसिटी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। और वेलोसिटी के बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही क्या एक्सेलरेशन है? हाँ। वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है। तब ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? पैराबोलिक। कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? पैराबोलिक। समझ में आया? सर यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसा था? y इक्वल टू या x इक्वल टू क्या था? ax स्क्वायर। यस इज इक्वल टू क्या था? हाफ at स्क्वायर। समझ में आया? x एक्सिस पे कौन था? x एक्सिस पे कौन है? t है। और y एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसलिए आपको ऐसा ग्राफ मिला। समझ में आ गया? अगर ये ग्राफ ऐसा ना होते हुए अगर ऐसा होता तो यहाँ आप इक्वेशन क्या लिखते? इस इक्वेशन को आप लोग रिप्लेस करके कुछ ऐसा लिख सकते थे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते थे? y इक्वल टू ax स्क्वायर। बोलो इस इक्वेशन को क्या लिखोगे? x इक्वल टू ay स्क्वायर। अगर x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर लिखू तो वो नीचे हो जाएगा ग्राफ।
एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर होगा तो लेफ्ट में किधर में जाएगा? लेफ्ट में, लेफ्ट में। वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे, नीचे। अब तुमको प्यारा बोला कि सभी इक्वेशंस को समझ में आया? हाँ सर। इसमें आधा ग्राफ इसलिए दिखाई दे रहा है अपने को, आधा इसलिए गायब है क्योंकि समय कभी भी माइनस नहीं होता, नहीं होता, इसलिए तुमको वहां की चीजें दिखाई नहीं देगी। समय में अगर हम पीछे जा सकते हैं, ऐसा अगर आइंस्टाइन के जो फॉर्मूले में दिखाया गया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर आप लोगों का जो भी मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, अगर ऐसे में टाइम अगर हम लोग पीछे जा सकते हैं तो हम लोग इवेंट को बाद में कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी तक कि ये हमारे ग्राफ छुपे रहेंगे हमारे लिए। कैसे रहेंगे? छुपे रहेंगे, छुपे रहेंगे, छुपे रहेंगे। समझ में आ गया तुम्हारा? को चलो तो इस तरीके से पैराबोलिक इक्वेशन हो सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ध्यान में रखो, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है। और ये चीज अगर तुम्हारी कंप्लीट हो गई है तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को बढ़ा। अब डेफिनेटली तुमको दिखाई दे रहा है कि 2.5 हो गया, इसके ऊपर से अगर हम लोग VT ग्राफ बनाते बोलेंगे, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम लोगों को पता है पहले सेकंड पे हम लोगों को कितना दिखाई दिया, 2.5 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड पे 2.5, उसके बाद में 7.5 वेलोसिटी है बेटा, ये क्या है बेटा, ये वेलोसिटी। हाँ, उसके बाद में 22.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये हो जाएगा 12.5। समझ में आया? तो ये ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बना? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ने किसको बढ़ाया? वेलोसिटी, वेलोसिटी को। तब ग्राफ अपना कैसा नजर आया? पैराबोलिक। भरता हुआ कि डुलता हुआ? भरता हुआ, भरता हुआ। समझ में आया? हाँ सर। गुड, चलो अब ये चीज उतार लो, उसके बाद में अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब समझो कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो किसकी डायरेक्शन में है? वेलोसिटी, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है। बट अब वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? वेलोसिटी को डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है, और वो फाइनली जीरो कर रहा है। वेलोसिटी को क्या कर रहा है? फाइनली जीरो, जीरो कर रहा है। तुम मेरे को बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरा वीटी ग्राफ कैसा होगा? एट रेस्ट। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है ये वीटी ग्राफ। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कुछ भी होगी, 20 मीटर पकड़ लो, और वहां से वो
डिक्रीज हो रही है, और जाके क्या हो रही है फाइनली? जीरो। समझ में आया? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां जो है वो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन कैसे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? स्लोप से की एरिया से? स्लोप से। स्लोप से किसे आइडेंटिफाई करोगे? स्लोप से। समझो यहाँ पहुंचने के लिए उसको कुछ 4 सेकंड लगे, इनिशियली टाइम हमने 0 कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, ऐसा करते हुए 4 सेकंड का। बोलो स्लोप पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। निगेटिव। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो तुम? x2 माइनस x1 by x2 minus t1 फाइनल क्या है? ये फाइनल हुआ कि ये फाइनल हुआ? 0 minus 20 divided by 4 minus 0 कितना आया? 5 meter per square second। हाँ कितना आया? -5 meter per second। इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम की डिफरेंस। डिफरेंट है, सेम है। वेलोसिटी कैसी है? वो जीरो भी हो रही है तब भी कैसी है? पहले कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब वो 4 सेकंड पे पहुंची तब भी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या इधर होगी? हाँ। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? अपोजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आया? हाँ सर। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी हुई है। ऐसी सिचुएशन में अब हमारे लिए, अब ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये हमारा फाइनल पोजीशन था, ठीक है? अगर ऐसा ना होते हुए ग्राफ, अगर ऐसा ना होते हुए, ऐसा ना होते हुए, ऐसा ना होते हुए, ऐसा ना होते हुए, हाँ ग्राफ अगर ऐसा होता, वीटी ग्राफ, फिर से वही फाइनली जो है वेलोसिटी यहाँ, वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। निगेटिव। कैसी है वेलोसिटी? निगेटिव। 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 निगेटिव है। स्लोप हमको क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। एक्सेलरेशन भी कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव। इसका मतलब है
वेलोसिटी भी निगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव डायरेक्शन में, यानी वो स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है या घटाने का काम कर रहा है? घटाने का, बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ वेलोसिटी को क्या करने का काम कर रहा है? वो बढ़ाने का काम कर रहा है, बस पॉजिटिव डायरेक्शन, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ इंक्रीज करने का काम कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज करने का काम कर रहा है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जो है, अब मेरे को बताओ तुम्हारे लॉजिक से, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बट एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज करने का काम कर रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा? लेफ्ट साइड में टाइम तो निगेटिव में ही होता है। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ की है। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0, इनिशियल टाइम 0, सेकंड पर सेकंड स्लो पर हम लोग निकालेंगे। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो v2 - v1, इनिशियली कितना है v1 और v2 फाइनली 0 माइनस ऑफ -20 अगर ले ले हम,
0-4 इनिशियल पोजीशन अगर ले ले, हम क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है हमारा? पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन कैसा हमारा? पॉजिटिव है. सर आप अटक गए. हेलो, मैं अटक गया? अभी अभी ठीक है? हाँ सर. अब यहाँ पे हम लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे, तो देखो यहाँ हमने जो वेलोसिटी ली थी वो हमारी पॉजिटिव है.